हाली सरा काळजाचो आताक वा काळजाचें दुयेंस सदचेंच जालां. हाका आमी आपणायल्ल्यो संवयी फास्ट फूड खावपाची पद्दत जापसालदार आसा. आयचे पिळगेन फुडाराक बरी जीण जगूंक जाय जाल्यार ह्यो संवयी बंद करपाची गरज आसा अशें म्हापशें पालिकेचे नगराध्यक्ष रोहन कवळेकार हांणी म्हळें. म्हापसा मुस्लीम फेडरेशनान काळजाच्या दुयेंसा संबंदान घडोवन हाडिल्ल्या जागृताय कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार डॉक्टर हमीद अली तशेंच सोल हार्ट सेंटराचे वांगडी फिरोज खान हाजीर आशिल्ले. आयज दर एकलो पयशांच्या फाटल्यान धांवता, मात बरी भलायकी हीच खरी संपत हाचो विचार कोणूच करिनात. म्हापसा मुस्लीम फेडरेशन समाजा खातीर बरो वावर करता आनी अशा बऱ्या वावराक पालिका सदांच तेंको दितली अशें कवळेकार हांणी म्हळें. आज हार्ट अटॅक म्हटल्यार सहज कसो जाल्ल्या, पूण एन्जिओग्राफी कर हे शब्द घेता आनी सगळे जातलो तो आनी 4-5 वर्सां काडटलो, हेंच चालू आसा. पण हे आमी करता आसतना सगळ्यो आमच्यो हॅबिट्सूय चेंज करूंक जाय. आमी आज फास्ट फुडा कडेन वळले आहात, जंक फूड सगळे कॅफेडी हे डी ते सगळे ह्या आमकां बरें दिसता, ते बरें एडवर्टीजमेंट करतात आनी ते हे करता आनी आमकां एट्रॅक्ट करता आनी आमी ते हेतून हे जाता. आमी आज हे सगळे बंद करपाची गरज आसा. आयच्या भुरग्यांक आमी आजून आमी आमच्या ल्हान भुरग्यांक शिकोवंक जाय की आमचें खाण आमचें न्हू, आमच्या घरान जाल्लें आमी जें करतात तें खाण आमी घेवंक जाय. कारण आमी तांकां फुडें बरें लायफ दितलें जाल्यार आतांच हें करपाक जाय. सोल हार्ट सेंटराचे पुराय देशांत सुमार 78 फाटे आसात आनी आयज वेळ 2 लाखां परस चड पिडेस्तांचेर बायपास जावं एनजीओप्लास्टी करिनासतना येसस्वीपणान उपचार केल्यात. गोंयांतूय सुमार 44 पिडेस्तांचेर उपचार केल्यात अशें फिरोज खान हांणी सांगलें. एट प्रेजेंट टोटल 78 सेंटर्स आर ऑपरेटिंग ऑल ओवर इंडिया. हमने इसका नाम साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग इसलिए रखा है क्योंकि वी हैव कंबाइंड बोथ मेडिकल साइंस ट्रीटमेंट एज वेल एज आर्ट ऑफ लिविंग. वी हैव ट्रीटेड सक्सेसफुली मोर देन 2 लाख पेशेंट विदाउट बाईपास सर्जरी अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया. मोर देन 2 लाख पेशेंट इन गोवा. इस सेंटर में हमने सक्सेसफुली 44 पेशेंट को ठीक करवाया है, उनको बाईपास और एंजियोप्लास्ट सर्जरी से हमने बचाया है. डॉक्टर हमीद अली हांणी काळजाचें दुयेंस कशें आनी कित्याक जावं येता हाचीं फाटलीं कारणां सांगलीं. तशेंच पिडेस्तांनी कितें करचें आनी कितें करचें न्हय हे विशीं मार्गदर्शन केलें. जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने से 18-20 साल तक तब तक कोई ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं, क्योंकि जो वो कुछ खाता है वो सारे बॉडी के ऑर्गन को लग जाता है. उसके ग्रोथ में रिक्वायर्ड होता है, हड्डियों के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि उनका ग्रोथ हो. जैसे ही 18-20 साल गुजर जाते हैं तब वो डिपोजिशन, ये जो कोलेस्ट्रॉल और ये जो सारी चीज़ें हैं वो डिपॉजिट होती है. और ये डिपॉजिट होगी कहाँ पे? दो जगह पे हो सकती है, या तो पेट में जो लोगों का पेट निकला होता है, या तो शरीर के अंदर. और शरीर के अंदर अगर जमा होगी तो कहाँ पे होगी? जगह है एक तो चर्बी जो पेट के ऊपर लगी हुई है वो चर्बी होती है, दूसरा होती है जो सारी खून की नली होती है जो ट्यूब्स हम कहते हैं, उसमें कोरोनरी आर्टरीज भी आ गई और उसी में डिपॉजिशन शुरू होता है. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार म्हापशें.